दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले में घिरी केजरीवाल सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच आए दिन तनातनी देखने को मिलती रहती है। इसी कड़ी में एक और विवाद की एंट्री हो चुकी है, जिसमें एलजी ने सीएम केजरीवाल को एक नोट भेजकर दिल्ली सरकार के वकीलों की शिकायत कर सख्त एक्शन की मांग की है। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रद्द की जा चुकी नई आबकारी नीति 2021-22 को लागू किए जाने के संबंध में गठित कमेटी की एक रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में झूठे और भ्रामक बयान देने के लिए कड़ा एतराज जताया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजी गई एक फाइल नोटिंग में एलजी ने बताया कि कंफर्मिंग और नॉन कंफर्मिंग एरिया से संबंधित कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी देने से जुड़ी फाइल पहली बार 18 अगस्त 2022 को मंजूरी के लिए एलजी ऑफिस को मिली थी, जबकि दिल्ली सरकार के वकील सितंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक हाईकोर्ट में यह कहते रहे कि फाइल एलजी के पास लंबित है। एलजी ने हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2022, 10 अगस्त 2023, 18 अगस्त 2023 और 4 दिसंबर 2023 को पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी वकील अरुण पवार और संतोष त्रिपाठी इस दौरान उनके नाम पर झूठी बातें करते रहे, जो अदालत की अवमानना के समान है। एलजी ने अपने इस नोट में लिखा, ये मामला राज्य के उस पहलू को दर्शाता है जिसमें राज्य सरकार के वकीलों ने एलजी और उनके कार्यालय की छवि को धूमिल करने के लिए कोर्ट के सामने झूठे और भ्रामक बयान दिए। निजी स्वार्थ के लिए जानबूझकर कोर्ट को गुमराह करने के लिए किए गए ये प्रयास एलजी के संवैधानिक कार्यालय को बदनाम करने के समान है। एलजी ने कहा कि उन्होंने इस मामले में लचीला रुख अपनाया है और वह चाहेंगे कि राज्य सरकार अपने हलफनामे में इस पूरे तथ्य का खुलासा करे कि फाइल पेश करने में हुई देरी के लिए एलजी ऑफिस नहीं बल्कि राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने सरकारी वकीलों द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने, अदालत की अवमानना करने, एलजी ऑफिस की छवि को धूमिल करने और अपने पद की गरिमा को कम करने के लिए वकीलों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है। एलजी ने कहा है कि ये कार्रवाई होने तक इन वकीलों को सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष पेश होने से तुरंत रोक दिया जाए। एलजी का मानना है कि आबकारी विभाग को कमेटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए और हाईकोर्ट के 29 मार्च 2022 और उसके बाद के आदेशों के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए। एलजी ने बताया कि 9 जनवरी 2024 को वित्त मंत्री और 26 जनवरी को मुख्यमंत्री की सिफारिश और अप्रूवल के बाद फाइल मंजूरी के लिए उनके सचिवालय को मिली है। अब इस पूरे मामले पर आबकारी विभाग के मंत्री आतिशी ने हाईकोर्ट के साथ हुए इस मिसकम्युनिकेशन के कारण का पता लगाने के लिए सरकारी वकीलों और एक्साइज विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि कानून और वित्त मंत्री के रूप में मंत्री आतिशी ने यह समझने के लिए संबंधित सरकारी वकीलों और विभाग के अधिकारियों की ये बैठक बुलाई है कि फाइल के स्टेटस के संबंध में हाईकोर्ट के साथ गलत संचार क्यों हुआ। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोर्ट के साथ स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे का तुरंत समाधान करना अनिवार्य है और उसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने ये मीटिंग बुलाई है। अब देखना होगा कि एलजी की शिकायत पर केजरीवाल सरकार क्या सरकारी वकीलों पर सख्त एक्शन लेते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।